Hello students, this is Neeraj Gupta. Chapter number 1, video number 13. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे who are the various users of accounting information. हम पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि accounting information का मतलब basically financial statements है. Statement about the profit and loss and statement about the financial position. Profit and loss account, balance sheet. सवाल ये है कि इन इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग हैं जो देखते हैं, कौन कौन लोग हैं जो यूज करते हैं और क्या यूज आता है. आइए थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं. इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स का मतलब जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. एक्सटर्नल का मतलब जो बिजनेस से नहीं जुड़े बाहर के लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक. इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आता है ऑनर्स. ऑनर्स माने जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया, बिजनेस चालू किया. आप बिजनेस स्टडीज में मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर. तो मैंने वहां पर भी ये डिस्कस किया है कि कोई भी बिजनेस रिस्क से भरा है, तो जिसने पैसा लगाया है उसको तो ये टेंशन होगी ही ना. मतलब टेंशन ना भी वर्ड में यूज करूं, एटलीस्ट ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मच इज अर्निंग, वॉट इज गोइंग ऑन. सो ही डेफिनेटली इज इंटरेस्टेड टू नो वॉट इज द प्रॉफिट एंड लॉस. जो पैसा लगाया पूरे साल कुछ कमाई हुई नहीं हुई, वॉट इज द फाइनेंशियल पोजिशन. पता लगा कंपनी डूब रही है, बस लोन पे लोन लिए जा रही है, तो इन्वेस्टर्स दे आर डेफिनेटली वर्ड. सिमिलरली मैनेजमेंट, हमने पहले भी याद होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें की थी. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक यूज ये भी होता है कि हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल करें. मैं कॉस्ट रिड्यूस की बात नहीं कर रहा हूं, कॉस्ट कंट्रोल करें. कंट्रोलिंग द कॉस्ट का मतलब जो हमारे प्री डिसाइडेड नॉर्म्स हैं कि हमने जो अपने प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में दे रहे हैं, आमतौर पर उसके प्राइजेस हमारे हाथ में नहीं होते, क्योंकि वो प्राइजेस मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ही ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देते हैं. अब हमारे कंपटीटर्स जिन प्राइजेस पर चीजों को लेके आ रहे हैं, कस्टमर्स जितना प्राइस उन सर्विसेज प्रोडक्ट्स के लिए देना चाह रहे हैं, ये सब चीजें प्राइजेस डिटरमिन करती है. समटाइम गवर्नमेंट भी फिक्स कर देती है. तो ऐसे में हमारे हाथ में क्या है, कॉस्ट. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने में, यानी जो हमारे प्री डिसाइडेड नॉर्म्स हैं, उतने में ही कॉस्टिंग को रखने के अंदर हेल्प करती है. एंड सिमिलरली इसके अंदर कैपिटल बजटिंग की मैंने बात की है, पहले भी मैंने बात की थी, रिपीट ही हो रहा है. कैपिटल बजटिंग का मतलब जो हमने नए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, नई मशीन्स खरीदनी है, नए प्रोजेक्ट्स में जाना है, तो मैनेजमेंट डेफिनेटली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फ्यूचर प्रोजेक्शंस करती है. अकाउंटिंग देखा जाए तो पास्ट है, अकाउंटिंग पास्ट है, जो हो चुका उसको रिकॉर्ड करे, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट फ्यूचर का इंडिकेटर होता है. इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर में किस प्रोजेक्ट में एंट्री लें, नहीं लें, उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एंड डिसीजंस को लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करती है. सो डेफिनेटली अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट वेरियस प्रोजेक्ट्स. थर्ड, अगर हम बात करें एम्प्लॉइज, दे आर द इंटरनल यूजर्स. कोई भी कंपनी में एम्प्लॉई ही तो है जो ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं. ऊपर की जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले रही है, लेकिन जो डे टू डे वर्किंग है, जैसे कहते हैं ना ऑन द फील्ड जो रियल वर्किंग है, वो तो एम्प्लॉइज कर रहे हैं. दे आर कंसर्न कि भाई अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में जा रही है तो उनको इंक्रीमेंट्स मिले, बोनस मिले, आफ्टरऑल उन्होंने भी मेहनत की है. इसके अलावा हर एम्प्लॉई ये जानना चाहता है कि जो उसको प्रोविडेंट फंड, ESI, ये चीजें शायद आपके लिए नई होंगी. मैं थोड़ा सा बताता हूं, किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज काम करते हैं, एक मिनिमम स्ट्रेंथ जब होती है 20 एंड मोर, यानी एटलीस्ट 20 लोग जहां काम करते हैं, तो वहां पर ये प्रोविडेंट फंड और ESI के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. ESI बेसिकली डिस्पेंसरीज होती हैं और प्रोविडेंट फंड एक तरह से फ्यूचर रिटायरमेंट फंड का सिस्टम है. अब हर एम्प्लॉई की सैलरी में से आमतौर पर थोड़ा अमाउंट प्रोविडेंट फंड और ESI के लिए काटा जाता है, थोड़ा अमाउंट आमतौर पर एम्प्लॉयर यानी कंपनी अपनी तरफ से देती है, और वो सारा अमाउंट एक जगह इन्वेस्ट किया जाता है. आमतौर पर अगले महीने की 20 तारीख तक इस इन्वेस्टमेंट को, इस अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है. तो कोई भी एम्प्लॉई कंपनी के अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स को देख के ये इंश्योर करना चाहेगा कि कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ना हो, कंपनी अपने ड्यूज टाइम से दे रही हो, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉई के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा, ESI का कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर कंपनी इन फ्रंट्स पर डिफॉल्ट कर रही है, देन इट्स अ डेंजरस, यू कैन से, इंडिकेशन फॉर एन एम्प्लॉय. ऐसी सिचुएशन में कंपनी भी छोड़ सकते हैं एम्प्लॉयज एक स्टेज के बाद, क्योंकि उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर की. आप समझ रहे हैं? सो दीज आर द 3 मेन इंटरनल यूजर्स ऑफ ए कंपनी, ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज.
If we talk about the external user, सबसे पहले इसमें आता है banks, financial institutions. एक ordinary bank को आपसे कोई मतलब नहीं है. Specially वो bank आपसे concerned है जिसमें आपने account खोला हुआ है और specially उससे भी ज्यादा जिसने आपको loan दिया हुआ. Naturally they are concerned about the recovery of their money, recovery of their interest. Bank ने loan दिया किस लिए? Interest कमाने के लिए ना, ताकि bank के खर्चे चल सके, overall bank profitable रह सके. अगर उन्होंने एक ऐसी कंपनी को लोन दे दिया जो डूब सकती है, तो एटलीस्ट वो उस लोन की रिकवरी के लिए कोशिश करेंगे और फर्दर लोन तो बिल्कुल नहीं देंगे उसको या उससे एसोसिएटेड किसी भी कंपनी को. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बैंक का पूरा ध्यान रहता है. वो चाहते हैं कि देखते रहें कि कंपनी सही चल रही है, सो दैट दे आर श्योर अबाउट द रिकवरी ऑफ देयर प्रिंसिपल, यानी जो लोन अमाउंट है एंड इंटरेस्ट. सो दे आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट. देन वी हैव इन्वेस्टर्स. अब जो लोग कंपनी के अंदर शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, डिबेंचर्स में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, यानी कंपनी को बाहर से फंडिंग दे रहे हैं, वो तो कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी नहीं है. अब उनको तो भाई देखना ही पड़ेगा ना, आज मैं पैसा लगा रहा हूं कंपनी में तो किसी प्रॉफिट की उम्मीद में ही लगा रहा हूं ना. मैं भी चाहूं तो स्टेट बैंक में जाके 6% कमा सकता हूं ना इंटरेस्ट और सो जाऊं. आज की तारीख में स्टेट बैंक की एफडी को आप 100% सेफ ही मानोगे. लेकिन मैं 6% की ना जाके, मैं अगर 9% की, 10% की, 12% की इनकम किसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो लालच तो कर रहा हूं. एग्रीड, वो तो किसी भी एक इन्वेस्टर को करना ही चाहिए ज्यादा कमाने की कोशिश, उसमें कोई बुराई नहीं. लेकिन वो कंपनी देख के तो लगाएगा ना, आप मुझ के किसी भी पेपर कंपनी में तो नहीं पैसे लगा देगा. पेपर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो बस पेपर्स में है, रियली ना उसकी कोई फैक्ट्री, ना ऑफिस, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई सर्विस. तो उसकी पास्ट की इन्फॉर्मेशन से तो इंडिकेट करेंगे रियली इसके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, कितनी टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है. उसको जज करके ही तो कोई इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर पैसा लगाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज आल्सो कंसर्न्ड जस्ट लाइक अ बैंक अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट. वो लोन नहीं दे रहा, इन्वेस्ट कर रहा, लेकिन फिर भी उसको भी तो रिकवरी चाहिए, पैसा वापस चाहिए आज नहीं तो कल, और साथ में अपना प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में मिलना है उसको वो पैसा भी चाहिए. सो जस्ट लाइक बैंक्स दे आर आल्सो कंसर्न्ड. देन थर्ड इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को उधार देते हैं. जैसे मान लेते हैं मैंने एक फैक्ट्री खोली, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है. अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उधार में, ये कह के कि बाद में दे दूंगा पैसे, और ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर भी तो देखेगा किस कंपनी को दे रहा है उधार में माल, पता लगा वो उधार खरीदे जा रहा है और बाद में उसी को बेच बाच के भाग गया. तो कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यहां पर एक टर्म मैंने यूज की है क्रेडिटर्स में, क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है कि क्या ये कंपनी उधार देने लायक है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, इसने कुछ लोगों के लोन डिफॉल्ट तो नहीं किए, कहीं लोगों का पैसा तो नहीं मारा, इसकी कंपनी में रेपुटेशन कैसी है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है. तो ये सब चीजें क्रेडिट वर्दीनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है. ठीक है, जैसे कोई भी बीमारी हो, आदमी टेम्परेचर चेक करता है ना, कोई भी बीमारी हो जाए एक्स वाई जेड, बंदे का टेम्परेचर, शुगर, बीपी चेक करते हैं. इतना तो आप, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, 16-17 साल के हो गए, इतना तो आप समझते हो. कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन. ऐसे ही कोई भी एक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जस्ट लाइक टेम्परेचर है. अगर कंपनी की बैलेंस शीट सही है, अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, तो मान के चला जाता है कंपनी सही चल रही है. ऐसी सिचुएशन में फिर क्रेडिटर्स को भी डर नहीं लगता उधार में माल देने में. एंड अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट पे. अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए चाहिए. उनको नेशनल इनकम निकालनी है, बहुत सारे डिसीजंस लेने, उनको पता ही नहीं चलेगा. सपोज उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ सब्सिडीज दी है, तो डेफिनेटली वो उनका डेटा देखना चाहेंगे ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही है नहीं चल रही, कुछ कमा रही है नहीं कमा रही, उनकी कितनी आउटपुट है. सो गवर्नमेंट ने जो भी अपने पास्ट में डिसीजंस लिए होते हैं या फ्यूचर में डिसीजंस लेने, उन सब के लिए उनको कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहीं से तो पता चलेगा. और फिर टैक्सेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट रिलायबल अकाउंट्स के बेसिस पर ही इनकम टैक्स या जीएसटी कलेक्ट करती है. सो गवर्नमेंट को इन सब पर्पसेस के लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए. नेक्स्ट हमारे यूजर्स हैं रिसर्चर्स. रिसर्च करने वालों का तो क्या है कि बहुत विषयों पर रिसर्च करते हैं. मैंने ऐसे जानबूझ के दो एग्जांपल दे दी. अब जैसे मान लो कोई स्टार्टअप्स पे रिसर्च कर रहा है कि जो नई कंपनियां खुली हैं उन्होंने पहले साल में कितना टर्नओवर कमाया, कितना उनको प्रॉफिट हुआ, या बिग फॉर्च्यून कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, उनका कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है विज़िविस की इंडिया का, माना सपोज कंपैरिजन वो कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज के साथ या चाइनीज, जापानीज, जर्मन कंपनीज के साथ. सो ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज आर ऑलवेज गोइंग ऑन एंड दे ऑल नीड योर अकाउंट्स. नेक्स्ट कंज्यूमर्स. देखो
कंज्यूमर का वैसे देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अब माना मेरे को एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदना है तो मैं पार्ले की बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ूंगा, तो एक बार के लिए दिमाग में जरूर आएगा यार ये फिर कंज्यूमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करता होगा। देखिए जितना मेरी सोच कहती है इसके बारे में, एक स्मॉल कंज्यूमर शायद इतना ज्यादा रेलेवेंट उसके लिए नहीं है। आमतौर पर जो स्मॉल कंज्यूमर है वो कैश में ही खरीदता है। अब अगर कोई कंपनी बड़ी प्रोडक्ट खरीद रही है, मतलब कोई 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का प्रोडक्ट खरीद रही है किसी कंपनी से, कुछ इस तरह का बड़ा ऑर्डर आ रहा है और जिसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल की वारंटी है, तो वो जरूर देखना चाहेगा यार मैं इस कंपनी का माल खरीद रहा हूं, कल को ये कंपनी गायब हो गई तो कौन तो इस प्रोडक्ट की सर्विस देगा और कौन इस प्रोडक्ट की वारंटी को पूरा करेगा। ये भी तो रेलेवेंट है नहीं। आज लोग मारुति की गाड़ी ज्यादा खरीदते हैं, क्यों? आज भी इतने सालों के बाद भी मारुति की कार ज्यादा ली जाती है, क्यों? इतनी पुरानी स्टैंडिंग है कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो लोगों को लगता है मारुति कार अगर हम लेंगे तो कल को इसकी सर्विस में, इसकी रीसेल वैल्यू में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट वारंटी फिर उसकी स्ट्रॉन्गर होगी ना एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो ये सब चीजें मैटर करती है, इसलिए कंज्यूमर भी समटाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, माई ओपिनियन इज कंसर्न, स्मॉल कंज्यूमर 5-10-20-50 रुपए का 100 रुपए का सामान खरीदते वक्त थोड़ी आप बैलेंस शीट खरीदो देखोगे। नेचुरली इफ यू आर अ बिग कंज्यूमर, बिग परचेजर, देन यू विल सी द क्रेडिट एंड एवरीथिंग ऑफ द कंपनी, कि उस कंपनी में कितना दम है, राइट? एंड द लास्ट इज जनरल पब्लिक। देखो भाई, जनरल पब्लिक की भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन होती है। अगर एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो ये एक्सपेक्टेड होता है उस कंपनी से कि वो कुछ सोशल एक्टिविटीज करे। नहीं, आप देखोगे कि अगर कोई कंपनी ने बहुत इस साल प्रॉफिट कमाया तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी है तो वो डोनेशन दे, या अदरवाइज भी सब कुछ अगर स्मूथ चल रहा है तो वो कुछ स्कूल्स बनवाने में, हॉस्पिटल्स बनवाने में, रोड्स बनवाने में, है ना, वाटर इरिगेशन, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स में कुछ डोनेट करे, कुछ हेल्प करे, यू एक्सपेक्ट ना। एंड जो कंपनीज ऐसा करती हैं लाइक टाटाज, तो उन कंपनीज की रेपुटेशन मार्केट में बेटर होती है। दे ऑलवेज अर्न अ गुड रेपुटेशन इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, और यू कैन से द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक और कंज्यूमर में कोई खास फर्क नहीं है, इन द बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक जनरल पब्लिक होगी वो जो बस खरीद कुछ नहीं रही लेकिन फिर भी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रही है। हो सकता है आप सोचो कि भाई जब कुछ खरीद ही नहीं रहे उस कंपनी का तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग हैं जो साइकिल्स पे चलते हैं, लेकिन क्या जो कंपनियां गाड़ी बना रही हैं या जो कंपनियां परफ्यूम बना रही हैं या जो और अमीरों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्या वो जनरल पब्लिक उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे? आफ्टरऑल वो उन कंपनीज में नौकरी तो कर ही रहे हैं ना छोटे स्केल पर। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरल पब्लिक की भी कंपनीज से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनके लिए कुछ करे। तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इन सब यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, वेदर दे आर इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, राइट? वीडियोज आर अवेलेबल एट ngpaclasses.com। थैंक यू।